नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ सागर सोनैक के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल शीट में पासवर्ड कैसे लिया जाता है। सबसे मेन बात है कि एक्सेल शीट में आपका कोई डाटा पर्सनल है, प्राइवेसी है, जो कि ऑफिशियल वर्क है, उसमें पासवर्ड लगाना ताकि आपके अलावा उसको ओपन ना कर पाए। वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये आपके सामने एक्सेल शीट, जिसका नाम मैंने कहा लॉग शीट, इसको हम ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया गया है। चेक कर सकते हैं, जैसे ओपन हो रही है ये, इसे मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया गया है। अब इसे पासवर्ड लगाते हैं। तो सब पासवर्ड लगाने का सबसे शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ मैं। सबसे शॉर्टकट, आपने अपने कीबोर्ड का F12 बटन दबाना है। F12 अगर ना हो तो स्क्रीन पर देखने आप जगह सेव एस कर सकते हैं। सेव एस, आप सेव एस पर क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की F12 लिखा आ गया, देखिए इस पर आप क्लिक कीजिए। नाउ आपने क्लिक करना है टूल्स पे, जनरल ऑप्शन, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। ये एंटर किया पासवर्ड आपने, और ये री एंटर पर आपको सेम पासवर्ड डालना होगा और सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको रिप्लेस करनी मांगेगा। रिप्लेस का मतलब ये है कि ये शीट जो पहले की है वो ख़त्म हो जाएगी और नई शीट जो आपको सेव कर रहे हैं वो इसकी जगह ले लेगी। इसको आपने यस कर देना है। क्लोज़ कीजिए, दोबारा ओपन कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये पासवर्ड मांग रहा है। क्लिक कीजिए, ओपन योर पासवर्ड। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।